हेलो फ्रेंड्स, तो मेरा नाम है राखी और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर एक ऐसा कैंसर है जो सर्विक्स में होता है। फ्रेंड्स, जहाँ से बच्चादानी का मुंह खुलता है उस पार्ट को सर्विक्स कहते हैं, जैसे कि आपको पिक्चर में पता चल रहा होगा। तो फ्रेंड्स, जो सर्विक्स में कैंसर होता है उस वायरस होता है जो कि ट्रांसमिशन से होता है। जब आप अपने पार्टनर के साथ शारीरिक संबंध बनाते हो तो उस वक्त ये वायरस आपको ट्रांसमिट होता है। पर फ्रेंड्स, ये जरूरी नहीं है कि अगर आपका पार्टनर आपके साथ संबंध बनाता है तो आपको जरूरी है कि ये कैंसर हो, क्योंकि फ्रेंड्स ये जो वायरस होता है वो आता और जाता रहता है और ये आपकी इम्यूनिटी पे भी डिपेंड करता है। फ्रेंड्स, अगर आपकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है तो ये आपको अटैक नहीं करेगा, लेकिन एज के साथ साथ आपकी इम्यूनिटी धीरे धीरे लो होती रहती है तो ये आपको अटैक करता है। इस वायरस का नाम है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। कहाँ पर ज्यादा पाया जाता है? ये जो गांव का इलाका है उस जगह में ज्यादा पाया जाता है, क्योंकि वहां की महिलाओं को अवेयरनेस नहीं है, वहां की महिलाओं को पता नहीं है, वो जागरूक नहीं है इस कैंसर के बारे में। और फ्रेंड्स, इसके कुछ कारण मैरिज जल्दी हो जाना, गांव जैसे इलाकों में लड़कियों की शादी जल्दी हो जाती है, 15, 16, 17, 18 साल में हो जाती है, जिस कारण वहां पर ये वायरस होने का खतरा। और फ्रेंड्स, दूसरा है कि 18 साल की एज में ही जब एक लड़की शारीरिक संबंध बनाती है तो उस वायरस का ट्रांसमिट होने का जो टाइम पीरियड है वो एक तरीके से ज्यादा हो जाता है। 18 साल से 45 लगभग साल होते हैं जिसमें कि आपका ट्रांसमिट होने के चांस बढ़ जाते। जब गांव की औरतें या फिर शहरों की भी औरतें जल्दी जल्दी बच्चे कंसीव करती है और बच्चों को जन्म देती है तो उस वक्त जन्म देते वक्त भी आप वायरस होने का इन्फेक्शन होने के चांस बढ़ जाते हैं। किसी एक के मल्टीपल पार्टनर्स सेक्सुअल पार्टनर्स होते हैं तो भी ये एक कारण है इस वायरस के आने। और एक कारण ये भी है कि जब एक औरत बहुत बार अबॉर्शन करा चुकी होती है तब भी इन्फेक्शन होने का डर रहता है और इन्फेक्शन होने के बाद वायरस को ट्रांसमिट होने का डर ज्यादा है। कुछ सिम्टम्स हैं जैसे कि इचिंग होना या पीरियड के बाद फिर से ब्लीडिंग होना या फिर जब आप अपने शारीरिक संबंध बना रहे हो तो उस वक्त ब्लीडिंग होना या फिर शारीरिक संबंध बनाते वक्त आपको पेन होना। तो फ्रेंड्स, ये कुछ इसके सिम्टम्स हैं। और इस सिम्टम में एब्डोमन, आपका जो लोअर एब्डोमन है वो पेन कर रहा हो बार बार तो भी आप इसको ऐसे ही ना समझे, आप जरूर डॉक्टर के पास जाएं और जरूर जांच होते हैं। नंबर वन स्टेज में आप इजीली सर्जरी करवा के, अगर आप पहले ही इसको डिटेक्ट कर लेते हो तो इजीली सर्जरी करवा कर आप इसको निकलवा सकते हैं। दूसरे और तीसरे स्टेज में आप कीमो से ठीक हो सकते हैं। और चौथे स्टेज में आप बहुत सारी नई नई टेक्नोलॉजी आ चुकी हैं जिसके कारण आप नॉर्मल लाइफ जी सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये है। और आपको कब ये आपको इस सकते हो, आपका प्रिवेंशन कैसे कर, आपको दो टेस्ट करवाने हैं, एक पैप स्मियर, एक है एचपीवी टेस्ट। तो फ्रेंड्स, ये दो टेस्ट के थ्रू आपको आपके आप अंदर वायरस है या नहीं पता चल सकता है। आप फ्रेंड्स, इसका ये जो वायरस है उसको फैलने में 10 से 15 साल लगते हैं। अगर आपके अंदर ये वायरस आ गया है तो इस वायरस को, अगर ये वायरस आप पे अटैक कर रहा है तो आपको 10 या 15 साल बाद आपको ये कैंसर होने के चांस होते हैं। आपकी कोई छोटी बेटी है या फिर आपकी वाइफ है तो आप उसको 9 to 14 एज में आप वैक्सीन लगवा सकते हैं, जो कि लाइफ टाइम तक आप इस सर्वाइकल कैंसर से बच सकते हैं। और दूसरा, अगर कोई लेडी है, आपकी वाइफ है, अगर वो भी ये वैक्सीन लगवाना चाहती हैं तो भी आप उनको ये वैक्सीन लगवा सकते हैं और इस सर्वाइकल कैंसर के खतरे से बच सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अपनी बेटी, अपने आप को और अपनी वाइफ को बचाओ इस सर्वाइकल कैंसर। और फ्रेंड्स, एक बहुत ही अच्छी बात ये है कि साइट से आप ये एचपीवी किट भी बाय कर सकते हैं, जो कि बहुत ही रीजनल प्राइस में है, 2500 के अराउंड इसका प्राइस है। और आप इजीली वहां से खरीद कर घर पे ही आप टेस्ट कर सकते हैं। इसके साथ एक ब्रश आता है, एक बॉटल आती है और उस ब्रश से आपको अपने वजाइना में डालना है, 5 टाइम्स आपको घुमाना है एंड देन आपको उस बॉटल में डालना है,
जो आपको एक बॉटल मिलेगी, आपको उस बॉटल में डालना है वो ब्रश बिना टच किए, और इस तरीके से आप उनको कुरियर कर सकते हैं और एक दो दिन बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा। अगर कुछ है तो आप आगे अपने डॉक्टर्स को दिखा सकते हैं। तो बहुत बहुत अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो या आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना चाहते हो तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाय।